नमस्कार दोस्तों, आज हमारी रेसिपी है गोभी के पराठे। ये बहुत ही ज़्यादा हल्का ब्रेकफास्ट होता है और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। आप एक गोभी लीजिए और उसको इस तरीके से कद्दूकस कर लीजिए। मैंने गोभी को अच्छे से धो लिया था, वॉश कर लिया था, आप भी अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने हरे मिर्च, लहसुन और थोड़ा जीरा लिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और लहसुन को फ्राई करने के लिए डाल दिया है। अब इसमें आप हरी मिर्च डालकर भी फ्राई कर लें। अब मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, अब इन तीनों को भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसमें थोड़ी हल्दी और थोड़ा नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें गोभी को जो मैंने कद्दूकस किया था उसको मैं डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसको तब तक अच्छे से पकाना है जब तक ये पानी ना छोड़ दे और ये अच्छे से पक ना जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये थोड़ी सी तैयार हो गई है, काफ़ी हद तक पक चुकी है। और ये हमारी गोभी पककर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में साइड में निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाए, इस तरीके से आटे की लोई में इसको भर लेंगे फिलिंग को और पराठे बना लेंगे। और ये हमारा अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे दही के साथ, अचार के साथ और चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आपको हमारा ये आसान सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।